वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट जो है वो इस मार्च महीने के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स आप सभी लोग जानते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमें पढ़ने के लिए। तो करंट अफेयर्स को हम वन बाय वन अपना कंप्लीट करते जाते हैं। तो आप लोग अगर कोई भी जो भी इस पूरे चैनल को फॉलो करता है वो ये करंट अफेयर्स जितने भी अब तक हो चुके हैं उसमें से एक भी करना ना भूले, क्योंकि ये सारे के सारे करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें से एक भी करंट अफेयर स्किप नहीं करना। बाकी इसको आपकी पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के लिए आप इजीली इस नंबर्स पे कॉल्स कर सकते हो, और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए होगी वो आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको अब जो पढ़ना है वो मैं आपको बताती जाती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने करंट अफेयर्स कवर करने हैं। वैसे तो मैं हर बार आपको ये इन्फॉर्म करती रहती हूँ कि किस किस तरीके से कंप्लीट करना है। डेली वाले भी फॉलो कर सकते हो और ये भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी पहला आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। मेरा ये बेट है भाई, आधे बच्चों ने नहीं सुना होगा कि ऐसा भी कोई डे होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अनयूजुअल करंट अफेयर्स भी लेके आऊँ ताकि हर स्टूडेंट को जो अनयूजुअल चीजें हैं वो भी पता चले कि अच्छा ऐसा भी होता है, राइट। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होता है, इसका भी दिवस मनाया जाता है। देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ना ब्रिटिश रूल से चलती आ रही। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर जो है हमारी इंडिया में जो भी मिलिट्री से जुड़ी हुई इक्विपमेंट्स होते थे वो सब यहाँ पे बनाए जाते थे। ब्रिटिश के इक्विपमेंट्स वगैरह वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, गन मेकिंग फैक्ट्री। तो सबसे पहली बार जो है इंडिया में गन पाउडर की फैक्ट्री भी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बनी थी 1787 में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब इंडिया ने 1947 में अपनी आजादी ली थी तब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक 18 मार्च को पहली बार बनाई गई थी, इसलिए 18 मार्च इसमें सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जितने भी फैक्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, उनको यहाँ पर एक ट्रिब्यूट, यहाँ पर उनकी इस चीज को सेलिब्रेशन के रूप में 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कलकत्ता में बनाई गई थी, कलकत्ता में कोसीपुर, कौन सी प्लेस, कोसीपुर कलकत्ता में, जो कि आज के समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, तो वहां से ये चीज आई, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, इसको लर्न कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, वो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का यहाँ पर मतलब है पूरे विश्व का एक वन दिवस है। प्रॉपरली वन दिवस मतलब कि प्रॉपरली एक तरीके से यूएन ने बनाया हुआ है जिसमें हम वन्य को कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। पहली बार ये 1971 में शुरू किया गया था, 1971 में इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया गया ताकि हमें ये एक इम्पोर्टेंस याद रहे कि फॉरेस्ट की, ट्रीज की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। 21 मार्च याद हो जाएगा, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लर्न कर लो। और इस बार की जो सेलिब्रेशन किया गया है उसकी थीम भी मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों को वो भी लर्न हो जाए, ठीक है। तो इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्लियर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद में रखनी है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। चलिए बड़े अब आगे हम लोग डिफेंस के और कुछ और भी देखते हैं। पहले एक और दिन मुझे आपको बताना है, वो मैंने वहां नहीं लिखा लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। तो वो है MCPCR, नाम तो मुझे ऐसा लगता है सभी बच्चों ने जरूर सुना होगा बिकॉज ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है किसी ना किसी कॉन्सेप्ट की वजह से, हमेशा ही रहती है। तो NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रूप में जानी जाती है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको करीब 17-18 साल हो चुके हैं। अभी इनका फाउंडेशन दिवस, स्थापना दिवस मनाया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता दूं। और वहां पर परीक्षा पर्व कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है, जिसमें इस कमीशन ने अलग अलग जो है हिस्सों से बच्चों की परीक्षा पर्व अभियान में उनके प्रयासों, भागीदारों को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। तो NCPCR ये जो है चाइल्ड के लिए, और इस कमीशन के अकॉर्डिंग चाइल्ड का मतलब यहाँ पर 18 से कम एज के सभी बच्चों से है। इस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं,
चेयरमैन जिसने चाइल्ड की फील्ड में बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया, और 6 मेंबर्स में से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉम्पोजिशन में जो है, इनमें 6 मेंबर्स में से एटलीस्ट 2 मस्ट बी 2 जो है वो यहाँ पर विमेन फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, जिनको एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन सब में पूरी एक जानकारी होनी चाहिए. ये जो है प्रॉपरली जो भी चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम होता है ये उनको देखते हैं, चाइल्ड राइट्स के वायलेशन को चेक करना, चाइल्ड जो भी HIV/AIDS, टेररिज्म, डिजास्टर, ट्रैफिकिंग, सब में जो है चेक रखना, ये सारे कामों को इनको देखते हैं, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर ये चेक रखती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लर्न कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो और साथ ही साथ इसको लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की तरफ. जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा इम्पोर्टेंट डेज के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको हमेशा डिफेंस न्यूज बताती हूँ. तो इस बार की डिफेंस न्यूज है हमारी टाइगर ट्रिहम्प एक्सरसाइज, जो हमारी USA के साथ होती है, हर साल नहीं होती पर इस बार हुई है. कहाँ पर हुई है ये? 31 मार्च तक चलेगी, मार्च 18 को शुरू हो चुकी थी टाइगर ट्रिहम्प, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ सबके ऊपर किया जाएगा, ठीक है, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके. एक्चुअली हम लोग USA के साथ सबसे ज्यादा जो है ये परफॉर्म करते हैं, सबसे ज्यादा अगर हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं बायलैटरल तो वो USA के साथ ही परफॉर्म की जाती है. तो वो USA के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें से एक ये भी है, जैसे युद्ध अभ्यास आपने सुना होगा USA के साथ हम लोग करते हैं, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग, ठीक है. उसके अलावा हम लोग एक और परफॉर्म करते हैं, दैट इज मालाबार, जो कि क्वाड के जो कंट्रीज हैं उनके साथ करते हैं. तो इस तरीके से हमारे साथ काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम USA के साथ अकेले ही परफॉर्म करते हैं, तो ये भी आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को याद हो जाएगी जितना जितना यहाँ पर बताया गया है आप लोगों को, ठीक है. ये सब आपकी फैक्चुअल डिटेल्स हैं, लर्न करिएगा. ओके मूविंग ऑन, फर्स्ट हो गया लोनिया वाला USA के साथ, और ये हुई कहाँ पे है? ईस्टर्न सी बोर्ड में हुई है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है. मतलब ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वेन्यू वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है. ये ईस्टर्न सी बोर्ड है कहाँ पर? इंडिया में नहीं है, ये USA में ही लोकेटेड है, USA का एक रीजन. ऐसे ही हमारा अगला करंट अफेयर, ये इंडियन आर्मी ने सेशल्स के साथ परफॉर्म करी है, एक्सरसाइज का नाम है लामित्य. ये सेशल्स की लोकेशन है, आई एम सो सॉरी फॉर दी मैप, इस तरीके का मैप है ये वाला, तो ये वाला है इसमें. ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का नाम है लामित्य एक्सरसाइज, राइट. सेशल्स की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी, ये आपका पड़ता है यहाँ पे, आप नोटिस कर सकती हो ये जो सेशल्स है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक है. तो अफ्रीका के रीजन में है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक है इस तरफ, तांजानिया, केनिया, सोमालिया, ये सब कंट्रीज है, यहाँ पर आपको सेशल्स मिलेगा. इंडिया के साथ सेशल्स के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, कोई इसके अंदर जो है मतलब बहुत अच्छे एक तरीके से कह सकते हो आप इनके साथ हमारे रिलेशंस, ठीक है. तो ये लामित्य एक्सरसाइज का नेम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, पार्टिसिपेंट इंडियन आर्मी थी ये याद रखना है, ठीक है. ये पूछा जाता है कई बार, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, क्योंकि अभी रिसेंटली ये जो है रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है, एंड आप सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे एयर क्वालिटी जो है वो किस टाइप की हो चुकी है, राइट. तो उसी के ऊपर एक प्रॉपरली यहाँ पे निकाला गया एक इंडेक्स निकाला गया, ये आप लोगों को पढ़ना एक्चुअली बहुत जरूरी है क्योंकि नई रिपोर्ट आई है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप सभी लोगों को कि ये रिपोर्ट अच्छे से पढ़ो. तो अभी जो एयर क्वालिटी की रिपोर्ट आई है ये अभी 2023 की आई है, 2024 की तो ऑलरेडी कैसे आएगी, क्योंकि जॉब तो चल रहा है अभी, ऑनगोइंग में है, ठीक है. तो इसमें इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड जो है यहाँ पे मार्क की गई है, ठीक है. तो इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि दिल्ली का हाल इस समय क्या है वो किसी से नहीं छुपाया यार, ठीक है. मैं खुद दिल्ली की हूँ, मुझे पता है वहां पे सांस लेने में भाई क्या दिक्कत हो जाती है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है. मेरे फादर जो हैं उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं इन सब चीजों की वजह से, तो बहुत बुरा हाल है उस समय. तो मतलब ये तो जो भी आप में से डेयरी का स्टूडेंट होगा इस बात से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता है, राइट. वही चीज है,
सो अभी इसमें जो है इंडिया की जो क्वालिटी है वो काफी पहले से डिटोरिएट हो गई है, खराब हो गई है। अगर मैं बात करूँ सिटीज की, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सिटीज है 10 में से 9 सिटीज इंडिया की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ज्यादा है, इंडिया थर्ड नंबर पे है। और इसमें ये पूरी कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो अफ्रीका है जिसमें सबसे ज्यादा है, और सिटी में टॉप करती है यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली थर्ड नंबर पे है इंडिया में, फर्स्ट नंबर पे बेगूसराय है जो भी यहाँ पर इसमें है। ठीक है, तो ये आपको 5 स्टार्टिंग के पता होने चाहिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तजाकिस्तान, बुर्किना फासो, जिस कंट्रीज में यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ टॉप मोस्ट हमारी सिटीज जो कि यहाँ पर पॉल्यूटेड है, देखो टॉप मोस्ट सिटीज में यहाँ पर जो टॉप करता है वो है एक तो दिल्ली, टॉप पे सॉरी टॉप पे बेगूसराय है, नॉट दिल्ली। दिल्ली तो थर्ड नंबर पे है, टॉप पे है बेगूसराय, और सेकंड नंबर पे है गुवाहाटी, थर्ड नंबर पे है दिल्ली, फिर है मुलानपुर, फिर है लाहौर। ठीक है, उसके बाद सिवान, सहरसा, गोइंगाम, कटिहार, काफी सारी सिटीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्विस आईक्यूएयर परफॉर्म ये निकालती है डेटा, अलग अलग जगह से ये डेटा जो है वो पूरा पब्लिश किया गया है, और यही आप लोगों को लर्न करना है। और इंडिया ने काफी स्टेप्स लिए, बट वो स्टेप्स किस तरीके से सक्सेसफुल होंगे क्या है उसका अभी भी कोई हमारे पास एक ठोस जवाब है ही, क्योंकि ये सब प्रोग्रेस अगर हुए भी हैं तो कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज इतने सारे प्रोग्राम है बट इन सबका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया है अभी तक, वही वही एक वो बहुत बड़ी समस्या चल रही है। ठीक है, तो एक तो आपको ये लर्न करना है जितनी भी इंडेक्स वगैरह निकाले गए हैं। उसके बाद आया है एक पोर्टल जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। अगेन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जाएगा, पोर्टल का नाम इम्पोर्टेंट है, ये पोर्टल अब हमारे लिए क्या काम करेगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहा है, तो वो सब चीजें पढ़नी है। तो देखो भाई इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च करने वाली है भाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसको लॉन्च करती है। और फिर इसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे इसके अंदर उनको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, मतलब कि जिनको अभी तक लावारिस पड़े हुए, जिनको अभी तक कोई यहाँ पर क्लेम करने ही नहीं आया, तो ऐसे जितने भी डिपॉजिट्स हैं RBI के पास, तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरे इंडिया के बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर वो देखेंगे, जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अनक्लेम डिपॉजिट, आप पूरे मल्टीपल बैंक्स के साथ एक ही प्लेस पे सेंट्रलाइज मैनर्स में पूरा चेक कर सकते हो, इस पूरे में सब कुछ यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक पूरा आपको लर्न करना है इस तरीके से। पढ़े आगे इसके बाद, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद सखी ऐप स्टार्ट की गई है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इसरो की एक फैसिलिटी है थुम्बा में, उन्होंने अपनी एक सखी ऐप को स्टार्ट किया है, जो कि जो गगनयान मिशन पे, क्योंकि गगनयान मिशन जो है वो मैंड मिशन है, तो उस गगनयान मिशन पे जो भी हमारे लोग जा रहे हैं उनका ये पूरा स्टार्ट किया गया, उन्हीं के लिए ये एक सखी ऐप स्टार्ट की गई है। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। वैसे तो सखी ऐप यहाँ पर विमेन सेफ्टी के लिए भी काफी ज्यादा न्यूज मिल रही है, लेकिन ये सखी ऐप जो है वो मॉनिटर करेगी पूरा, जो भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका स्केड्यूल क्या है, ठीक है, वो क्रू में किस तरीके से जा रहे हैं, उनका हेल्थ कैसी है, अर्थ के साथ कनेक्टेड रहे, उनका डाइट स्केड्यूल क्या है, मतलब उनका सारा डेटा फिंगर टिप्स में उनको यहाँ पर मिल जाएगा। मल्टीपल फॉर्मेट्स है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, टेक्स्ट है, मैसेजेस है, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सब कुछ चेक कर सकते हैं, उनका हाइड्रेशन लेवल क्या है, उनका स्लीप पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो है उनके लिए सखी ऐप को स्टार्ट किया गया है, जो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में जो बनी हुई है उनके द्वारा इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया गया, तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो काफी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसको बस ऐसे ही लर्न करना है। बाकी देखो सखी ऐप जो है वो विमेन के लिए भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही यहाँ पर सखी ऐप है, सखी ऐप एक बार विमेन के लिए भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें विमेन के लिए वन स्टॉप सेंटर्स ओपन अप किए गए थे। ठीक है, तो अभी तो ये है, अभी फिलहाल जो न्यूज है वो ये याद रखें। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर के रूप में था ये, तो ये विमेन फैसिलिटेशन के लिए बढ़ाया गया था, ताकि जो भी वायलेंस की विक्टिम विमेन है उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल सके, चाहे वो वायलेंस फिजिकल है, सेक्सुअल है, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है, इसको काफी पहले स्टार्ट किया गया था। चलो बढ़ते हैं आगे, अगली यहाँ पर जो है वो स्कीम आती है उल्लास। उल्लास एक स्कीम है, और इसी स्कीम में आप भी कह सकते हो ये वाली स्कीम भी कह सकते हो ये वाली, ठीक है, तो ये एक तरीके से एजुकेशन के रिस्पेक्ट में स्टार्ट की गई। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की प्रमोशन के लिए ही है,
और इसको आपको हम कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसको, तो आराम से इजीली कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो ये क्या है, उल्लास की पहले तो फुल फॉर्म देख लें। उल्लास की देखो भाई, ये हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पर उल्लास में एक टेस्ट बनाया है। टेस्ट का नाम क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। साक्षरता कार्यक्रम के हिस्से में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अच्छा वैसे मैं उल्लास की भी फुल फॉर्म बता दूं आपको, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ताकि लर्निंग को प्रमोट किया जा सके। इसमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो भी 15 से ऊपर तक के यहाँ पर बच्चे हैं जो कि स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, उनको लाइफ स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर अवेयरनेस, चाइल्ड केयर अवेयरनेस, फैमिली अवेयरनेस, ये सब चीजें यहाँ पर उनको सिखाई जाएंगी। ठीक है, बेसिक एजुकेशन जो है वो सिखाई जाएगी। तो लास्ट ऐप जो है यूजर फ्रेंडली है, आपको एंड्रॉयड iOS दोनों पे मिल जाएगा, जो कि दीक्षा पोर्टल के साथ काम करेगा। दीक्षा पोर्टल भी आप सभी लोग जानते हैं टीचर्स ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, तो दोनों चीजें साथ में मिलकर काम करेंगी। तो ये काफी अच्छी और बढ़िया कॉन्सेप्ट के रूप में एक इंडिया ने स्टार्ट करी है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही चीज है, होनी भी चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग लर्न कर लेना, इस तरीके से है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, किसके जुड़ा हुआ, जैसे आपने भी उद्गम पढ़ा, आपने सखी पढ़ा, आपने उल्लास पढ़ा, तो ये छोटे 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 कॉन्सेप्ट है, लेकिन अक्सर इन सब से सवाल बनते हैं, हम इनको स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि अभी पढ़ लेंगे, ऐसा है वैसा है। नहीं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, लर्न करना जरूरी है। ऐसे ही अभी यहाँ पर UNDP ने HDI की रिपोर्ट निकाली है, वही सेम वही एक हमें रैंकिंग इसमें भी पढ़ने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि महबूबुल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट करी थी, साथ साथ इंडिया के अमर्त्या सेन ने भी मिलकर के ये चीज स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो HDI जो है 134th रैंक पे आए हैं इंडिया अभी यहाँ पर। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि मानव विकास किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर पूरी की पूरी जानकारी हमको देता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो तीन चीजों को मेन ध्यान में रखता है। मेन जो उसका काम होता है वो ये है कि भाई स्कूलिंग कितने साल की रही है, लाइफ कितनी की किस हिसाब से है, और नेशनल इनकम कैसी है। तीन कंट्री जिन्होंने टॉप किया, एक तो है स्विट्जरलैंड, टॉप इसमें करने वाली स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और आइसलैंड है। ठीक है, बॉटम पे आने वाली तीन कंट्रीज हैं सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, जिसमें मतलब इसमें दो कंट्रीज को नहीं चेक किया गया, एक तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और एक मोनाको। ठीक है भाई, तो डैम यहाँ पे मेन ये चीजें देखी गई थी, ग्लोबल इनइक्वालिटी देखा था कि भाई किस तरीके से इनइक्वालिटी है। तो काफी इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है इंडिया की, इंडिया ने काफी चीजों में सही भी परफॉर्म किया, लेकिन काफी सारी चीजों में गलत भी परफॉर्म किया है। चाइना और श्रीलंका हमसे आगे है इस पूरे कैटेगरी में, इवन भूटान और बांग्लादेश भी हमसे यहाँ पर आगे आते हैं। हाँ, इंडिया से पीछे अगर किसी की रैंक आई है अपने आस पड़ोस के बारे में बात करें, तो भी नेपाल और पाकिस्तान क्या है, ये फैक्टर इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, एग्जाम में तो सीधा ही बन सकता है ना क्वेश्चन की भाई इसमें क्या है, किसकी कितनी रैंक है, तो सीधा ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोगों को ये भी एक फैक्टर इंफॉर्मेशन लर्न करनी पड़ेगी, इसको सभी लोग अच्छे से लर्न कर लो। इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने डाउट को पूछ सकते हो मुझसे, कभी भी पूछ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये देख लो, इसके तीन है एस्पेक्ट्स, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वो सब चीजें। अगला आता है पीवी शब्द करके एक पूरी ऐप स्टार्ट की गई है, एक न्यूज शेयरिंग सर्विस है जो कि प्रसार भारती से स्टार्ट की गई है। PM या PB, क्योंकि प्रसार भारती है इसलिए PB हो जाएगा, PM PB शब्द करके। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रसार भारती ने स्टार्ट करी है। अब भाई बात ये आती है कि ये PM शब्द क्या है, ये अगर आप पढ़ भी लोगों तो हमें क्या इसमें बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हर एक लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करने वाली है प्रसार भारती, और न्यूज की इंफॉर्मेशन रहेगी, आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वगैरह भी चाहिए तो मिल जाएगी। आप ये कह सकते हो कि दूरदर्शन आकाशवाणी का नया वर्जन, और आपके फोन में इजीली चल जाएगा। और आपको पता है प्रसार भारती हमारी इंडिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जो कि 1997 में बनाई गई थी, छोटी छोटी न्यूज भी कवर करने को रखती है। तो PM शब्द करके एक स्कीम है, आप फुल फॉर्म भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड डेसिमिनेशन, प्रसारण और प्रचार के लिए साझा ऑडियो विजुअल इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब मैं आपको इस वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्किप तो कुछ भी नहीं करना इसमें। ऐसे PM सूरज भी है, अब वो PB थी, ये PM सूरज है। PM सूरज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका सूरज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों को जो है सोलर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, नहीं, इसमें सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। PM सूरज जो है
मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनको उनको यहाँ पर करीब 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जिनको सामाजिक उत्थान करने की जरूरत है। तो ये रोजगार आधार जन कल्याण योजना है, एक पोर्टल है जो कि वंचित वर्गों के जितने भी उद्यमी हैं उनको यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। तो पीएम सूरज स्कीम अलग स्कीम है, ठीक है, इसके अंदर जो है मार्जिनलाइज लोगों के लिए। अब जब एक बात और याद रखना, जब भी ऐसी कोई स्कीम होती है जो मार्जिनलाइज लोगों के लिए रहती है, चाहे वो एससी की हो चाहे वो ओबीसी के लिए हो, तो वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय है वो पूरा स्टार्ट करता है। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा उन व्यक्तियों के लिए जो कि डिसएडवांटेज है, उनको जो भी एनएफबीसी है, ठीक है, एनबीएफसी है, फेसिलिटेड बैंक्स हैं, उन सब यहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करो, ये वाली चीज को, यही मेन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पीएम सूरज एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे मैम सूरज की डेफिनेशन क्या है, तो देखो भाई पढ़ो इधर, पीएम का प्रधानमंत्री हो गया, सूरज का मतलब है सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, ठीक है। इसके अंदर अभी स्टार्ट किया है, इसका भी हुआ था पूरा उद्घाटन वगैरह किया गया था, प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे यहाँ पर और पूरा एक तरीके से इस चीज को स्टार्ट किया गया था। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही स्कीम चल रही है मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए, सामाजिक उद्यान जन कल्याण के लिए केवल एक ही स्कीम नहीं है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, अम्बेडकर योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, काफी सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। जैसे राष्ट्रीय गरिमा अभियान पे क्वेश्चन भी आया था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले यूपीएससी में पूछा गया था, मैं ये क्लियर कर देती हूँ एक बार। जैसे एक पूछा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, तो भाई ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है जो हाथ से मल्ड होते हैं, मैनुअल स्कावेंजर्स होते हैं, मैनुअल स्कावेंजिंग करते हैं जो, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया। तो ये भी एक नई स्कीम है, समझ पा रहे हो। तो स्कीम्स की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी हैं, आपको सारी की सारी स्कीम्स अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि इन्हीं सब स्कीम्स में से आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो ये है, आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि काफी सारी है हमको जो पढ़ के जाने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही अब आपको अभी ये हाल फिलहाल में एक और बहुत बड़ी न्यूज है कि डाइस पे यहाँ पे रोक लगाई गई है। असल में कर्नाटका की जो सरकार है ना, उन्होंने उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी है किस किस चीजों पर, तो यहाँ पर गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी, इन सब में जो है कर्नाटका की सरकार ने अभी हाल फिलहाल में इस पे जो डाइज यूज होती है उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, ठीक है। सो अभी ये जो बैन लगाया गया है डाइस के ऊपर, ये ही हमारा एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज जो डाई है ना एक तरीके से वो एक कलरिंग एजेंट के रूप में यूज की जाती है, तो वो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं हम लोग इजिली। तो इंडिया में ये बैन हो गई है। अभी रिसेंटली रोडामाइन बी करके जो हमारी एक, इसमें जो है ना एक एजेंट होता है, यहाँ पर रोडामाइन बी है जो कि कैंडी में एक आर्टिफिशियल कलरिंग इंग्रेडिएंट के रूप में डाला जाता है, जो कि वाटर सॉल्यूबल एक केमिकल कंपाउंड होता है। तो पहले तमिलनाडु की सरकार ने बैन किया था, अब कर्नाटका की सरकार ने कर दिया है, ठीक है। तो ये एक ग्रीन कलर के पाउडर में आता है, कॉमनली केमिकल यूज किया जाता है जो कि डाइंग टेक्सटाइल पेपर, लेदर, पेंट सब में इस्तेमाल किया जाता है। हार्मफुल कहा जाता है ये, अगर इसको हम रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम टिश्यू होता है और वो जो एक ब्रेन ब्रेन स्टेम होता है जो कि ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, वहां पे एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर देता है ह्यूमंस की मोटर फंक्शनिंग में, टॉक्सिसिटी रिलीज करता है बॉडी में, और जो है मतलब अगर ये एक तरीके से हजार्डस हो जाता है। तो इस तरीके से चीजों को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, गवर्नमेंट्स ने बैन किया, दैट्स व्हाई दैट वाज इन न्यूज। ऐसे ही हम लोगों का आज का लास्ट आर्टिकल देखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली महाराष्ट्र की सरकार ने जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसको नाम चेंज करने के ऊपर बात कही है। और किसके नाम पे होगा ये चेंज, ये पर्सनालिटी आप सामने देख सकते हैं, इनका नाम है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, जिनको मुंबई का आर्किटेक्ट बोला जाता है, जिन्होंने आज के समय की जो मुंबई बॉम्बे है उसको डेवलप किया था। जैसे हम लोग कहते हैं कि दिल्ली का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया, जैसे हम कहते हैं कि बैंगलोर का डिजाइन केम्पेगौड़ा ने स्टार्ट करा था, तभी बैंगलोर के मेन रेलवे स्टेशन का नाम केम्पेगौड़ा रेलवे एयरपोर्ट भी है। ऐसे ही एक पर्सन है जिनका नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ, उनके नाम पे ये स्टार्ट किया गया, जिन्होंने जमशेद जी जीवी जॉय के साथ मिलकर के काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मुंबई को डेवलप करने का, राइट। इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सनालिटी ने क्या क्या काम करे हैं, वर्क्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। इन्होंने
स्कूल्स काफी सारे डेवलप करे हैं। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से कभी बिलोंग करते थे या कभी आप वहां पर रहे हो या आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इनके बारे में वहां पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पुराना स्कूल नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे वो स्टार्ट करवाया था। अब उसका नाम जो है एलिपस्टोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके बाद इसी इंस्टीट्यूट से, इसी स्कूल से बाल शास्त्री जाम्बेडकर, दादा भाई नेहरू जी, महादेव गोविंद राणा डे, रामकृष्ण गोपाल भटनागर, इन सब ने यहाँ से पढ़ाई करी। इवन गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक ने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ाई करी है। तो ये इन्होंने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था और अपने ही पैसों से इन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन काफी सारी लगाई थी उस एरिया में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने गर्ल्स स्कूल को भी वहां पे स्टार्ट करवाया था, संस्कृत सेरेमनी, संस्कृत लाइब्रेरी, काफी सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट कराई थी। इवन हिंदशाला, स्कूल बुक सोसाइटी, काफी सारी चीजें डेवलपमेंटल के रूप में स्टार्ट करवाई गई। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन स्टार्ट करवाई थी 1852 में। तो ये सब नाम आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन कौन से पर्सन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम के आपको पता होने चाहिए। राइट, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट ये सारे करंट अफेयर्स। आप सब देख सकते हो हमने बहुत सारे नए टॉपिक्स पढ़े हैं आज। हमने पहले तो डेज पढ़े, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, फॉरेस्ट डे, एनसीपीसीआर डे, देन हमने दो एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा, टाइगर ट्रिहम जो कि हमारी किसके साथ परफॉर्म की जाती है। टाइगर ट्रिहम हमारी एक्सरसाइज जो है वो हम परफॉर्म करते हैं यूएसए के साथ, ऐसी लामित एक्सरसाइज सेशंस के साथ। फिर हम लोगों ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखा, हमने देखा इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की जो स्टेट्स है उनकी रैंकिंग किस प्रकार से है वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट होते ही जो है उद्गम पोर्टल देखा, आरबीआई ने जो स्टार्ट करा है। फिर हम लोगों ने जो है सखी ऐप देखी, मैंने बताया था सखी ऐप दो है, क्या क्या उनका कॉन्सेप्ट है वो बताया था। देन हम लोगों ने यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो उल्लास ऐप में असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट करा है वो देखा, तो हमने उल्लास के फुल फॉर्म भी देख लिया और असेसमेंट टेस्ट भी देख लिया। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एचडीआई रिपोर्ट के बारे में देखा। देन हम लोगों ने पीबी शब्द के बारे में देखा, किसने स्टार्ट किया है, कैसे है। फिर पीएम सूरत स्कीम, सूरत स्कीम्स रूफ रूप सोलर टॉप वगैरह से एसोसिएटेड नहीं है, ये डिसएडवांटेज पीपल से एसोसिएटेड है। देन हम लोगों ने कर्नाटका की बैंड डाइस के बारे में देखा। देन हम लोगों ने जो रीनेमिंग है और पर्सन कौन है जो इनसे जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में देखा। तो इस टाइप से हम लोगों ने पूरा अपना आर्टिकल यहाँ तक कम्प्लीट करा है। इसी तरीके से आप लोगों को भी कम्प्लीट करना है, सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लर्न करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। ये सारा कवर करना, डेली वाले कवर करो, प्लेसेस इन न्यूज यहाँ पर हो गया है उनको कवर अप करो। जैसे आप ये सब चीजें कवर करोगे धीरे धीरे जो हमारा पूरा कंप्लीट जो कोर्स है करंट अफेयर्स का वो आपका सीधे सीधा कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं सभी लोगों से अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।